सकता है। एजेंडा आज तक के इस आखिरी सेशन में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह का। भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के बाद यह अमित शाह जी का पहला इंटरव्यू है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या आपको ये लगता है कि सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल का रास्ता पहले से अब ज़्यादा आसान हो गया है? देखिए, फाइनल का रास्ता पहले से आसान ही था, आसान ही ये है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अभी से ज़्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये जब 5 राज्यों के चुनाव शुरू हुए तब कई जगह पर मैंने कहा था कि गत चुनाव के अंदर 2018 में इसी समय पर ये 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी एक लाइन से 5ों चुनाव हार गई थी, और उस वक्त सिर्फ आपका चैनल नहीं, सभी पत्रकारों का आकलन था कि हमारे लिए 19 का रास्ता बड़ा कठिन हो गया है। 14 से 19 में हमारी सीटें ज्यादा आई। राहुल जी, आपने एक शब्द प्रयोग जादूगर का किया, कोई जादू वादू नहीं है। भारतीय राजनीति ने मोदी जी जैसा दूरदृष्टिपूर्ण और इतना अथाह परिश्रम करने वाला ना राजनीतिक नेता देखा है, ना प्रधानमंत्री देखा है, ना पार्टी का लीडर देखा है। मोदी जी ने राजनीतिक नेता के रूप में राजनीति के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य और सुचिता को प्रस्थापित करने के लिए 10 साल के अंदर बहुत प्रयास किए। जाति की राजनीति हो, परिवारवाद हो या तुष्टीकरण हो, तीनों के खिलाफ बोले बगैर अपने काम से एक सकारात्मक एजेंडा सेट कर देश की राजनीति को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की दिशा में ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के प्रधानमंत्री के नाते 2014 में देश के पूरे युवा 12-13 में मैं दिल्ली में रहता था, मुझे याद है, घोर निराशा व्याप्त थी। आज हम यहां पर खड़े हैं 2024 की शुरुआत में, और देश का युवा अमृत काल में प्रवेश कर 2037-47 में भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और पार्टी के नेता के नाते प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पार्टी का कोई दायित्व न होते हुए बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने परिश्रम से और अपने मार्गदर्शन से हमेशा प्रेरित किया, और कैडर को जस की तस रखा। कैडर में नया जोम पड़ा, पीढ़ी परिवर्तन भी उनके नेतृत्व में हुआ, और पार्टी अपने उच्चतम सफलता के शिखरों पर जब थी, इससे भी कई गुना आगे लेकर आगे के लक्ष्य तय कर रही है। शायद ही किसी नेता में ये तीनों प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिले हैं कि जो युगद्रष्टा भी हो, अथाह परिश्रमी भी हो, और सार्वजनिक सुचिता को ऊंचाइयों पर ले जाने वाला नेता हो। मैं मानता हूं कि न केवल भारत, दुनिया भर की डेमोक्रेसी के इतिहास में ये तीनों क्षेत्र के अंदर बरोबर 10 साल तक अपने आप को पीछे रखकर, देश को आगे रखकर, अपने आप को पीछे रखकर, पार्टी को आगे रखकर, अपने आप को पीछे रखकर, सिद्धांतों को आगे रखकर, अगर किसी ने इस प्रकार से नेतृत्व किया है तो ऐसा उदाहरण मिलना बहुत असंभव है। आप जो हमेशा ढूंढते रहते हो, कभी मेरा चश्मा लेकर ढूंढ लो तो मालूम पड़ जाएगा जीत का एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जो पोल आ रहे थे, बीजेपी के इंटरनल सर्विस भी आ रहे थे साल के बीच में, वो बीजेपी को कांग्रेस से पीछे दिखा रहे थे, खासतौर से मध्य प्रदेश में, कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी। अभी कांग्रेस भी
सर खरोच रही, वो भी समझ रही कि उनको तो लग रहा था कि हम जीत ही चुके हैं। वो नहीं समझ पाएंगे, आप चिंता मत करो। क्या किया आपने कि उनको अभी तक नहीं समझ में आ रहा कि हारे कैसे और आप जीते कैसे? क्योंकि उन बार बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बोल रहे हमारा वोट बैंक जस के तस है। देखिए ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में लगभग 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बेसिक सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, चाहे घर के अंदर शौचालय हो, नया घर ही देना हो, बिजली पहुंचानी हो, गैस का सिलेंडर देना हो, मुफ्त अनाज देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देनी हो, आधार कार्ड देना हो, उसको बैंक अकाउंट देना हो, और सारी सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन ट्रांसफर करना। ये सारा जो किया है, इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट पाने वाले जो राज्य है वो ये 3 राज्य हैं, क्योंकि इन्हीं 3 राज्यों को बीमारू राज्य माना जाता था। बीमारू राज्य का जो कंसेप्ट किसी व्यक्ति ने बनाया था, उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश था, और यही 3 राज्य थे जो बीमारू माने जाते थे। आज वहां पर डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है और लोग ढेर सारी सुविधाओं में किसी के साथ अपने जीवन को बसर कर रहे हैं और आगे का सपना लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं मानता हूं कि इसका बहुत, हमारी जीत का बहुत बड़ा कारण ये जो हमारे लाभार्थियों की नई फौज मोदी जी ने खड़ी की है, और मोदी जी कहते हैं कि देश में एक ही जाति है, वो गरीब की जाति है, और ये जो नया कंसेप्ट है गवर्नेंस का, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है, और संगठन में भी ये 3 राज्य हमारे सबसे पुराने और अच्छे संगठनों में से एक हो, ऐसे 3 राज्य एक से बढ़कर एक हो, तो मोदी जी की लोकप्रियता ने जो बड़ा नया वोट बैंक खड़ा किया था उसको समेटने में हमारा संगठन सफल रहा है। सर आप कहते हैं कि एक ही जाति है गरीबी, मोदी जी कहते हैं केवल 4 जातियों की वो चिंता करते हैं, उसके अलावा उनको और किसी चीज़ की फिक्र नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब मुख्यमंत्री तय करती है तो छत्तीसगढ़ में दलित उठाती है, मध्य प्रदेश में OBC उठाती है, राजस्थान में आपने एक ब्राह्मण को मौका दिया, तो आप भी तो ये पूरी सोशल इंजीनियरिंग कह रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि जातियों की अहमियत नहीं, 4 ही जातियाँ हैं, लेकिन आप तय करते हैं जाति के आधार पर भी। देखिए आप इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग मत करिए, सोशल इंजीनियरिंग ये वो, अब एक देश की राजनीति ऐसे नहीं चलती है। 130 करोड़ लोगों का एक गुलदस्ता है। भारतीय जनता पार्टी जब इतने सारे राज्यों में शासन करती है तो समाज के हर हिस्सों को अपना प्रतिनिधि दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संगठन भी बनाना चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों के रिप्रेजेंटेटिव और नेता भी इसी तरह से तय करने चाहिए। मैं नहीं मानता है किसी प्रकार का एपीसमेंट है, ये जनभावनाओं को एड्रेस करने का लोकतांत्रिक तरीका है। सर 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री थे, आपने फिर भी पीढ़ी बदलकर नए नेताओं को मौका दिया। जब आप तय कर रहे थे कि किसको अगली बार कप्तान बनाना है और क्यों, आपके, नड्डा जी के, प्रधानमंत्री मोदी के जहन में क्या चल रहा था, किन किन फैक्टर्स को आपने ख्याल में रखा कि किसको तय करना है? देखिए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कद्दावर उसका अदना कार्यकर्ता होता है, जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता है वो सबसे कद्दावर है। हमारी पार्टी में सबसे बड़ा कद्दावर नेता हमारा सामान्य कार्यकर्ता है, और ये सब जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो ये जो अभी आप जिक्र कर रहे हो कद्दावर नेता, वो भी तो कभी कार्यकर्ता थे, मैं भी कभी कार्यकर्ता था, बूथ का अध्यक्ष था। जब पार्टी समग्रता से विचार कर नेतृत्व तय करती है तो इसके कई पैरामीटर्स होते हैं, और वो हमारा सीक्रेट है, उसको सीक्रेट ही रहने दीजिए। आपने कप्तानी का मौका तो दिया एक ऐसे बैट्समैन को जो कि अब तक कप्तान नहीं रहा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कप्तान बनेंगे, आपको कैसे मालूम कि कप्तानी करके इतने बड़े स्टेट को चला पाएंगे? देखिए फैसले करने पड़ते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की आलाकमान ने मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तब मोदी जी सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे, MLA छोड़ दो, सरपंच का भी चुनाव नहीं लड़े थे, और उनको एक बहुत संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया था।
तो फैसले लेने पड़ते हैं और नेतृत्व तो इसी तरह से निकलता है। अभी जो लोग मुख्यमंत्री थे हमारे तीनों नेता, वो भी कभी ना कभी पहली बार ही तो आए थे, ऐसा तो नहीं था हर कार्यकर्ता पहली बार आता है। आपने इस बार 21 सांसदों को चुनाव लड़ाए, 12 जीते 9 हारे। अब जो जीते वो सोच रहे थे कि भाई मेरा कुछ होगा, इसलिए शायद अमित भाई ने मोदी जी ने भेजा है। आपको किसी ने बताया है क्या? नहीं, उनको मन में तो लगा है। को यार इतनी सारी कल्पना करते हो, ये सबको मालूम है कि पार्टी इसी तरह से चलती है। सालों हो गए लोग 3-4 दशक से काम कर रहे हैं, सबको मालूम। क्या करेंगे ये लोग? आपने भेज दिया दिल्ली में, इतने बड़े मंत्री थे, ये थे, अब चले गए स्टेट। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है, हर एक कार्यकर्ता का अपनी अपनी जगह पे महत्व होता है, हर एक भूमिका का अपनी अपनी जगह महत्व होता है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप, आपका जो काम है दिल्ली में यहाँ बैठकर शो चलाना, वो परसेप्शन बेस है। हमारा काम है धरातल पर पार्टी को मजबूत करना और प्रदेश और देश को बदलने में अपना कंट्रीब्यूशन देना, दोनों के पैरामीटर्स अलग है। सर, इंडिया टुडे ग्रुप की जो डेटा विजुअलाइजेशन टीम है, उसने एक एनिमेशन तैयार किया है जो मैं चला के दिखाता हूँ, जो दिखाता है कि 1984 के लोकसभा के आम चुनाव के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार देश भर में बढ़ा है। इसको देखते हुए जहां इस वक्त हम लोग दिसंबर 2023 में खड़े हैं, आपका क्या आंकलन अनुमान है कि जब अगली दफा चुनाव होगा, आप जो 303 सीटों का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का पिछले चुनाव में था, उसको आप कहां जाते हुए देखते हैं? देखिए, अभी लोकसभा चुनाव चालू नहीं हुआ है, हो सकता है इसके मुद्दे भी शायद नए आ सकते हैं, डेमोक्रेसी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। परंतु मैं एक निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 19 के विजय से 24 की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों की विजय बड़ी होगी, कमी होने का कोई सवाल नहीं। अच्छा, पार्टी के भीतर और बाहर गृहमंत्री जाने जाते हैं अपने चुनावी आंकलन के लिए, चुनावों को असेस करने का, एनालाइज करने का शौक हमको भी है। तो हमने दो सिनारियोज रन किए, इसके बाद मैं आपको वो दिखाता हूँ, जिसमें यह था कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 5% बढ़ जाता है तो संभवतः बीजेपी कहाँ पहुँच सकती है, और 5% अगर घट जाता है तब बीजेपी कहाँ पहुँच सकती है। तो उन दोनों को देखते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे, और फिर आप बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हैं। तो ये रहा सर स्क्रीन पर, 303 पे आप पहले थे, अगर 5% वोट आपका छिटकता है तो 223 पे संभवतः आप आ सकते हैं उसके नज़दीक, और अगर 5% बढ़ता है तो 342 पे। उसी तरीके से कांग्रेस जो कि 52 सीटों पे थी पिछले चुनाव में, अगर उनका 5% वोट छिटकता है तो 21 पे आके गिर जाते हैं, और अगर 5% बढ़ता है तो 97 पे आते हैं। आपको क्या लग रहा है कि 37% का आपका वोट शेयर, जितनी आपने पिछले 5 साल में तपस्या की है, एफर्ट किया है, उसके चलते आप कहाँ जाता हुआ देखते हैं? देखिए, इसमें कौन प्रत्याशी होता है, कौन पार्टी नीचे कितना परफॉर्म करती है, ढेर सारे फैक्टर होते हैं। मैं आपकी तरह इतना सपाट एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं चुनाव की बहुत सारी चीज़ों को, चुनाव के विज्ञान की बहुत सारी चीज़ों को जानता हूं, इतना सरल नहीं होता है, वरना तो ये आंकड़े जो बनाते हैं वही शायद देश के प्रधानमंत्री हो जाते और किसी का नंबर ही नहीं लगता। मगर मैं इतना जरूर कहता हूं कि एक जब चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले एक बेस तय होता है, जिसके आधार पर देश की या किसी प्रदेश की जनता वोट डालने का एक बेस बनाती है। वो बेस हमारा बहुत स्ट्रांग है, और हम बहुत स्ट्रांग बेस के साथ चुनाव में जा रहे हैं, और नेतृत्व हमारे पास ऐसा है जिसका न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर इसका कोई सानी नहीं है। इतना लोकप्रिय नेतृत्व लेकर हम चुनाव के मैदान में। सर, इस चुनाव के नतीजे के बाद एक उत्तर और दक्षिण को लेकर भी बहस छिड़ी, विपक्षी पार्टियां ये कहने लगे चुनाव के बाद ये बहस समाप्त हो जाएगी, अगले चुनाव के बाद, ये 24 के 24 के, तो क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये समझ गया मैं क्या पूछना चाहता हूँ, यार जवाब मिल गया, इंटरप्रेट करने दो दक्षिण की जनता को। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में नहीं है, वो बहस समाप्त हो जाएगी। आपको कहां पे लग रहा है दक्षिण में आप गेन कर? अब वो हम 24 के चुनाव के दिन बात करेंगे, परिणाम के दिन बात करेंगे। देखिए, कर्नाटक में हमारी सरकार रही है, हम आज भी मुख्य विपक्ष हैं। तेलंगाना में हमारी सीटें निश्चित रूप से बढ़ने जा रही हैं, और तमिलनाडु और केरल में भी हमारे वोट प्रतिशत और सीटें दोनों में हम बढ़ोतरी करेंगे। हमने ये जो लोग चुनाव के नतीजों को, प्रदेश के चुनाव के नतीजों को भारत को बांटने के तरीके के रूप में सोचते हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं,
उत्तर दक्षिण का नैरेटिव जो खड़ा करते हैं वो भारत को जोड़ना नहीं चाहते, भारत को तोड़ना चाहते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। हमने 5 ऐसे राज्य आइडेंटिफाई किए, क्योंकि ज्यादातर जो राज्य हैं जहां पे आपकी कांग्रेस से टक्कर है वहां पर स्थिति अलग है, लेकिन बिहार जहां आप 17 सीटें लड़े थे 17 जीते थे, कर्नाटक जहां 28 में से आप 25 जीते, महाराष्ट्र जहां समीकरण अब बहुत बदल चुके हैं 48 में से आप 23 निकाले, पश्चिम बंगाल 42 में से 18 आपने निकाली थी। देखिए ये सारी चीजें राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ये आंकड़े जनरेट हुए हैं। बिहार एनडीए लड़ा था और हमारी स्थिति अच्छी थी, कर्नाटक में हम अच्छे ही थे, महाराष्ट्र में एनडीए निकाल लो, उस वक्त शिवसेना हमारे साथ थे, बाद में हमें 6 देकर उद्धव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारे साथ दगा कर वहां गए, महाराष्ट्र की स्थिति भी अच्छी थी। तो ये तो नेता चले गए, जनता हमारे साथ है, परिणाम देख लेना, सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो आपका इंटरनल लक्ष्य क्या है, जैसे आपने गुजरात में रखा था 150 पर, इंटरनल आपका टारगेट, क्योंकि राजीव गांधी का 84 का रिकॉर्ड है 404 का, क्या आप उस तरह से एम कर रहे हैं? देखिए ऐसा है राहुल जी, आपका दायित्व है कि आपके शो में मैं कोई आंकड़ा बता दूं और ये बड़ा वायरल हो, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ हमेशा बोलता हूं, 6 महीने पहले लक्ष्य कोई तय नहीं कर सकता, परंतु मैं निश्चित रूप से मानता हूं जिस बेस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बेस हमारा काफी स्ट्रांग है, और जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका न केवल भारत, दुनिया में कोई सानी नहीं है, सबसे सफल नेतृत्व के नेतृत्व में हम लड़ने जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। आपने बार बार मोदी जी की लोकप्रियता का जिक्र किया, और ये हकीकत भी है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत में जहां सिर्फ लोकप्रियता नहीं है, श्रद्धा है लोगों की कि व्यक्ति भारत को महान बना पाएगा, महान बनाने के कगार पर पहुंचा दिया है और आगे का रास्ता यही तय करा सकता है, लोगों की अटूट श्रद्धा है। सिर्फ लोकप्रियता नहीं है, लोकप्रियता तो कई बार इधर उधर होती है, मगर जब श्रद्धा पैदा होती है तो उसका टूटना बहुत दिक्कत होती है। मैं उसी बात नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय ट्रैकर्स में तुलना करते हैं, न केवल राहुल गांधी से और ममता बनर्जी से, अरविंद केजरीवाल से, बल्कि दुनिया के तमाम नेताओं से, तो प्रधानमंत्री मोदी की मॉर्निंग कंसल्ट जैसे जो ट्रैकर्स हैं उनमें 76% लोकप्रियता है, और अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा कोई नेता नहीं है जो इनकी लोकप्रियता के नजदीक आ रहा है। जब आप तुलना करते हैं किसी और नेता से, आपका क्या आंकलन है कि ऐसा क्यों है कि 9.5 साल बाद भी लोकप्रियता का आलम यह है? क्योंकि ये व्यक्ति ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, मैं तो एक कदम आगे कहने जाता हूं, इस व्यक्ति ने अपने दल के लिए भी कुछ नहीं किया, जो भी किया देश के लिए किया, देश के गरीबों के लिए, क्योंकि मैंने तो देखा है जब कठोर फैसले लिए जाते थे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते थे हमारी वोट बैंक हर्ट होती है, परंतु देश के अंदर परिवर्तन के लिए जब ये फैसले जरूरी होते हैं, मोदी जी ने पार्टी की वोट बैंक की भी चिंता नहीं की, देश की जनता को सामने रखकर कठोर फैसले लिए, और इसका परिणाम है कि हर पैरामीटर्स में आज भारत सबसे आगे। एक जो आपने कहा कि कठोर फैसला लेना पड़ता है, उनमें से एक था कि फ्रीबीज हम नहीं देंगे, कि विपक्षी पार्टियां जो हैं बहुत फ्रीबी देती हैं, हम फ्रीबी के खिलाफ हैं, लेकिन फिर हमने इसी चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग राज्यों में तमाम ऐसी घोषणाएं की जिनको कि फ्रीबी कहा ही जा सकता है, क्योंकि आप भी मुफ्त में ही दे रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आप कहते हैं कि फ्रीबी नहीं देनी, लेकिन चुनाव में मजबूरी में आप भी वही करते हैं। देखिए कई जगह पे राज्य के नेतृत्व ने कुछ फैसले किए हैं, मैं जरूर कह सकता हूं, मगर हमारा चुनाव जीतने का एकमात्र आधार वो नहीं है। हमने आप अन्य पार्टियों के, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, अन्य पार्टियों के घोषणा पत्र को आप भाजपा के संकल्प पत्र के साथ एनालिसिस करिए। हमारे यहाँ राज्य के विकास का एजेंडा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी है, दलित आदिवासी पिछड़ों के लिए योजनाएं भी हैं जो फ्रीबीज नहीं है, और कुछ एक दो योजनाएं ऐसी भी ली हैं, मगर थ्रस्ट जो है ये ओवरऑल राज्य के विकास का है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। सर, तेलंगाना के नतीजों का अगर जिक्र करें तो उसको देखने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि आपका वोट शेयर डबल हो गया, दूसरा ये कि हैदराबाद में म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजों के बाद और कैंपेन में जो माहौल दिखा उसके बाद लगा कि शायद बीआरएस के बाद दूसरे स्थान पर बीजेपी, और बीआरएस और बीजेपी की टक्कर होगी, लेकिन चुनाव में तो कांग्रेस आगे निकल गई।
इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको लग रहा था कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना दूसरा बड़ा राज्य हो सकता है बीजेपी के। देखिए मैं आपको बताता हूं, कई बार ऐसा होता है कि कई चुनाव कौन आए इसके लिए वोटिंग नहीं होती, कौन जाए इसके लिए वोटिंग होती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव में भी ऐसा हुआ है। हमारी पार्टी का प्रदेश यूनिट और केंद्र में नड्डा जी ने कुछ दो तीन लोगों को काम किया है, हम इसका गंभीरता से विश्लेषण कर रहे हैं और इस पर जरूर आत्मचिंतन करेंगे कि क्या हुआ पार्टी को सो कॉल्ड सेटबैक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसको सेटबैक इसलिए नहीं मानती है कि हम तो भाई बहुत 1950 में हमारे पास कुछ नहीं था, इससे इतनी बड़ी पार्टी बना, नहीं चुनाव हारे हैं और जमानते जब्त होने के बाद भी पार्टियां देते हुए नेता मैंने देखे हैं 1980 में, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर हम बड़े विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूं कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी और सबसे ज्यादा सीटें भी भारतीय जनता पार्टी। आपको लग रहा है कि चार से बढ़ेगा आपका? नहीं, क्योंकि हाल में हमने कांग्रेस में देखा है कि वो भी कुछ जो ऐसे चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट हैं जो कि बीजेपी में पहले हुआ करते थे मोदी जी के साथ वगैरह, उनको ला रहे हैं। क्या कुल मिला के जब आप विपक्ष की तैयारी को देखते हैं, आपको लग रहा है पहले से बेहतर कैंपेन मैनेज कर रही है कांग्रेस? मैं कांग्रेस पार्टी को एडवाइस नहीं दे रहा, मैं एक मेरा विश्लेषण कह रहा हूं। जो कैंपेन मैनेजर होते हैं वो पार्टी का लोड कम करने के लिए होते हैं, चुनाव जिताने के लिए नहीं होते हैं। चुनाव तो नेतृत्व का, जनता का नेतृत्व पर कितना भरोसा है और कौन कार्यकर्ता कितनी शिद्दत से काम करता है वो ही जीता सकते हैं। अब स्थिति कोई कुछ कुछ पार्टियों की ऐसी हो गई है कि कैंपेन मैनेजर के अलावे और कोई चारा ही नहीं है, नेतृत्व विश्वास खो बैठा है, कैडर तितर बितर हो गई है, तो उनके लिए तो कैंपेन मैनेजर ही नैया पार कराने का एक। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। हमारे प्रदेश का नेतृत्व और विशेष कर मोदी जी का नेतृत्व किसी भी चुनाव की नैया पार कराने के लिए कैपेबल है और हमारा संगठन चुस्त दुरुस्त है, मैदान में खड़ा रहता है, बूथ से लेकर प्रदेश तक हर मोर्चे की लड़ाई हम बखूबी लड़ते हैं और तय रणनीति के तहत लड़ते हैं और परिणाम भी आते हैं। सर, आप देश के गृह मंत्री हैं, संसद भवन में पार्लियामेंट अटैक की बरसी पर एक बार फिर से एक ऐसा वाकया हुआ जिसको लेकर देश में लोग सोच रहे हैं कि अरे नहीं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ये आखिरकार क्या हुआ। सबने उन तस्वीरों को देखा, देश के गृह मंत्री के तौर पर आपको अब तक क्या पता चला है कि ये कौन लोग हैं, कैसे आए, क्यों आए और क्यों ये चूक? देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई, चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति कर रही है। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने कमेटी बनाई है, देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करें ज़्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई जिसमें पर्चा डालने से लेकर नारा लगाने से लेकर पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने FIR भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे, मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है और दोनों काम ये कमेटी बहुत अच्छे से करेगी। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एकदम चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आगे पर हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। कई बार सुरक्षा में सैंड लगाने वाले नए नए तरीके लेकर लूपहोल्स ढूंढते रहते हैं, लूपहोल्स होना नहीं चाहिए, वो आइडियल चीज़ है, मगर अब ढूंढाई है तो इसको फिल करने का हमारा जिम्मेदारी है और मेरा सभी से अपील है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बना जाए।
जम्मू कश्मीर में अमित शाह साहब जब बहस हो रही थी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर संसद भवन में, तब आपने एक बार फिर से लद्दाख का जिक्र किया और उसके बाद चीन ने लद्दाख पे दावा ठोका और विपक्षी पार्टियां खासतौर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन में डेपचांग में डेमचौक में घुसी हुई है। गृहमंत्री गुस्सा तो हो रहे हैं लेकिन जो भारत की जमीन है उसको खाली क्यों नहीं करते, इसको आप कैसे जवाब देते राहुल गांधी को और इसमें पीएलए घुसी लद्दाख? ये सवाल और कोई भी पार्टी करे तब तो मैं समझ सकता हूं, राहुल जी नहीं कर सकते क्योंकि देश का इतिहास है कि सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा इस देश ने कभी गंवाया है तो उनके पर नाना के समय में गंवाया है और कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों के कारण गंवाया है, इतिहास है इसका। उनको शायद जो डाउनलोड करने वाले लोग हैं, कागज देने वाले लोग हैं, वो 90 के आगे का नहीं देखते हैं। देश 47 में आजाद हुआ है और बड़ा हिस्सा कांग्रेस शासन में रहा है। कांग्रेस पार्टी किसी भी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर नरेंद्र मोदी सरकार को देश की सुरक्षा के बारे में सलाह देने की पोजीशन में ही नहीं है। क्योंकि पिछली दफा जब आपने बयान दिया था पार्लियामेंट में, उसके बाद चीनी सेना कई जगहों पे ये कहते हुए कि वो एक समर एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, लेकिन एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंटेशन हो गई थी। मेरा बयान नया नहीं है, जवाहरलाल जी की नेतृत्व में ये रिजॉल्व देश की पार्लियामेंट ने किया है, मैंने इसकी पुनरोक्ति मतलब दोहराया है मैंने उसको। आपने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी लेने की बात संसद भवन में कही है, क्या ये कहने की बात है या वाकई में सोच रहे हैं कि कुछ करके पीओके हमारा होगा? नहीं, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा? इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में, क्या भले आदमी इतना ही पहचानते होंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के दो वायदे थे, एक था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, दिसंबर 2019 में आपने पास किया, उसके बाद सब पूछ रहे हैं कि ये कब आप इनके रूल्स नोटिफाई करेंगे, कब से इम्प्लीमेंट होगा, क्या आप सोच रहे हैं इसके बारे में? देखिए, CAA देश का कानून है और ये पार्टीशन के बाद जो हिंदू भाई बहन विशेषकर और बाकी छह धर्मों के जितने भी मतावलंबी पाकिस्तान बांग्लादेश और अन्य देशों में रह रहे थे, इनके साथ जो धार्मिक प्रताड़ना हुई उसको न्याय करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं आज आपके कार्यक्रम में देश की जनता को कहना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है, इसका जरूर इम्प्लीमेंटेशन होगा और CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली, विशेषकर माइनॉरिटी में और विशेषकर मुस्लिम भाइयों में अपप्रचार करा गया कि इससे आपकी नागरिकता चली जाएगी। CAA से किसी की नागरिकता नहीं जाती है, CAA नागरिकता लेने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। ये निश्चित रूप से इंप्लीमेंट होगा। कब से आपका, मैंने वेस्ट बंगाल के चुनाव से पहले होगा तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा, आप चिंता मत करो। उचित समय पर CAA लागू होना ये बहुत स्पष्ट है और वो लागू होगा ही। सर, साथ ही इससे जुड़ा मुद्दा है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने आइडियोलॉजी में बातें कही उसमें एक राम मंदिर का निर्माण था वो तो हो गया, एक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि आर्टिकल 370 भी अब चला ही गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप स्टेट वाइज देख रहे हैं, उत्तराखंड हो गुजरात हो, आप स्टेट के मैनिफेस्टो में देख रहे हैं, इसको राष्ट्र भर में लागू करने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप इसको भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा के रूप में देश की जनता के सामने प्रस्तुत मत करिए। इस संविधान सभा का देश के विधानमंडल और संसद को एक मैंडेट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 44 में हमारी संविधान सभा ने कुछ ऐसी चीजें रखी थी जो आजादी के तुरंत बाद संविधान सभा जिसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाई, तो उसको अनुच्छेद 44 के माध्यम से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिया गया और
यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें से एक है। ये बात अलग है, बाद में वोट बैंक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस ने इसको छोड़ दिया और संविधान सभा में ज्यादातर कांग्रेस के ही नेता थे, सबसे बड़े नेता कांग्रेस के उसमें बैठे थे, उन्होंने ही ये बनाया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसको पकड़ कर रखा है क्योंकि किसी भी धर्मनिरपेक्ष शासन का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि सर्व धर्म के नागरिकों के लिए एक कानून हो। मगर कांग्रेस ने इसको भुला दिया और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इस पर एक अलग प्रकार का आइडियोलॉजिकल और वैचारिक कपड़े पहनाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं मानती है। हमारे 1950 से जितने भी चुनावी संकल्प पत्र है, इसका एक वादा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी यूसीसी लाने का प्रयास करेगी। अब आपने कहा कि स्टेटों में प्रयास हो रहा है, देखिए कॉमन सिविल कोड एक बहुत बड़ा सामाजिक और लीगल परिवर्तन है, इस पर सबकी राय चाहिए। तो एक राज्य, दो राज्य, तीन राज्य अगर इसको करते हैं, कमिटियां बनती है, इसकी सुनवाई होती है, सबको लाखों लोगों को मिला जाता है और उसके अभिप्राय आते, इसके आधार पर एक कानून बनता है, इसकी लीगल स्क्रूटिनी भी होगी और उसके बाद में जो मैच्योर चीज होगी वो ऑटोमेटिकली सारा देश स्वीकार करेगा, उसको मुझे भरोसा है। मगर ये आप मान कर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूसीसी लाने पर अडीग है और हम इसमें कहीं पर भी दो कदम पीछे नहीं हटे। अमित जी, कुछ वरिष्ठ वकीलों से, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के मेरी बातचीत हो रही थी, कुछ जजेस से भी, वो कह रहे हैं कि जो आप नए कानून लाना चाह रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर को आप बदल रहे हैं, उनका कहना है कि इससे बड़ी प्रैक्टिकल दिक्कतें आने वाली हैं क्योंकि अब जो सारे पुरानी जजमेंट्स हैं जिनमें तमाम धाराएं हैं, वो कह रहे हैं कि जितनी भी सारी तैयारी है पहले की, जो आधार है जिसके आधार पर ज्यूरिसप्रूडेंस चलती है, वो सभी आपने बदल दी। उनका सजेशन है कि आप मॉडिफाई करते पुराने कानूनों को बजाय इसके कि आप नया कानून लेके आ रहे हैं, उसको कैसे आप समझाते? देखिए, कानून की आत्मा भी बदल रही है, धाराओं की संख्या भी बदल रही है और धाराओं की प्रायोरिटी भी, प्राथमिकता भी बदल रही है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अंग्रेजों की प्राथमिकता थी रेलवे बचाना, अंग्रेजों की प्राथमिकता थी अपना खजाना बचाना, तो मानव वध को धारा 302 में रखा है और रेलवे लूटने का दंड मानव वध से बड़ा दंड माना गया। अब हम आजाद हो गए भाई, हमारे केंद्र बिंदु नागरिक है, हमारा केंद्र बिंदु दलित, आदिवासी और पिछड़ा है, हमारा केंद्र बिंदु महिला और बच्चे हैं। ये बदलना बहुत जरूरी है और वैसे भी वो की वो नंबर की धारा इसलिए नहीं, काफी सारी धारा ही विलुप्त हो रही है, काफी नई जोड़ी जा रही है, तो नंबर तो चेंज होना ही होना है। परंतु इसके लिए हमने बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया है, सारे प्रिंटर के साथ मेरे लेवल पर मीटिंग की है, उन्होंने बिल्कुल नई धारा और पुरानी धारा उसका सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, ढेर सारी पुस्तकें देश की सभी मान्य भाषाओं में नई धारा और पुरानी की धारा के साथ ही आएंगे। तो शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं सभी अपने एडवोकेट्स को विनंती करना चाहता हूं कि भाई थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हम भी करते हैं, आप भी करिए और आप भी करिए, उनको फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो स्पिरिट से हम इस कानून को ला रहे हैं, और मैं इतना विश्वास के साथ कह रहा हूं राहुल जी कि ये कानून आने के बाद इसमें कुछ परिवर्तनों के लिए समय दिया गया है, जैसे ऑनलाइन कोर्टों को करना, पुलिस स्टेशन ऑनलाइन हो चुके इसके साथ कनेक्ट करना, FSL को इसके साथ कनेक्ट करना, जेल को इसके साथ कनेक्ट करना, FSL को कंपलसरी करना, एक सब होने के बाद किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस में एक साल के अंदर न्याय देने का हमारा जो स्वप्न है वो 10 साल के अंदर पूरा हो जाएगा, ये मैं देश की जनता को विश्वास दूँ। ये बहुत बड़ा मोदी जी का एक इनिशिएटिव है जो आने वाले 100 साल तक न्यायिक दंड प्रक्रिया को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक नई दिशा देने वाला है और हम एक नए युग में प्रवेश करेंगे। सर, कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी थे हरदीप सिंह निर्जर, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत की सरकार ने, हमारे तंत्र ने उनकी हत्या करवा दी। नहीं, इसको विदेश विभाग ने सिरे से नकारा है भाई, नकारा है, और ये भी कहा है कि वो वहां क्या कर रहे थे,
जो वांटेड है हमारे कानून में वो वहां क्या कर रहे थे, इसका जवाब देना है। हमने तो कोई हत्या बत्या में भारत की पॉलिसी ही नहीं, परंतु वो वहां क्या कर रहे थे इसका जवाब भी तो जरूरी है कि जो भारत के कानूनों में वांटेड थे गंभीर प्रकार के गुनाह में, टेररिज्म में लिप्त गुनाहों में, तो वो वहां क्या कर रहे थे। पर सर, जैसे गुरपतवंत पन्नू है वो कहता है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में उड़ा दूंगा, अमेरिका जैसा देश उसको बचा रहा है बजाय इसके कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, अगर कोई बोले कि मैं अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट उड़ा दूं। भैया इतने सारे राजनयिक आए थे, किसी को पूछ ही लेते, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। भारत ने तो अपना ऑब्जेक्शन कई बार रजिस्टर करा है, मगर ये डिप्लोमेटिक मामले है, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत अपना पक्ष रख ही रहा है, कैसा नहीं होना चाहिए ना। हम हमारी भूमि पर होने देंगे किसी भी देश के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र, ना आप होने दो, हमारी मदद करो। पर ये जो हत्याएं हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि उसका भारत की सरकार या तंत्र से कोई लेना देना नहीं। जी सर, पिछले 2-3 महीने से वो इंडिया अलायंस वाले थोड़े से बिजी थे, कांग्रेस क्योंकि चुनाव लड़ रही थी, अब वो कह रहे हैं कि 19 को उनकी बैठक है। अगर जो इंडिया अलायंस की सोच है कि 400 सीटों पे 1-on-1 बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस अगर होता है। भाई राहुल एक बात बताओ तुम, मैं तो नहीं समझ पाता, थोड़ा असमर्थ हूं, इंडिया अलायंस है कहां बताओ तुम। वो तो मैं आपको पूछता हूं, एक एक राज्य, कश्मीर पहले से एक अलायंस बना हुआ, इससे क्या ऐड होगा। पंजाब में हो नहीं रहा है, हिमाचल में भारत और भाजपा और पंजाब में वो होप करें कि हो जाए। नहीं हो रहा है ना अभी, हिमाचल भाजपा कांग्रेस सीधी फाइट है, दिल्ली में हो नहीं रहा है, हरियाणा सीधी फाइट है, फिर आगे चले जाओ राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीधी फाइट है, गुजरात सीधी फाइट है, महाराष्ट्र में पहले से हो रखा है, बिहार में पहले से हो रखा है, बंगाल में हो नहीं रहा है, उड़ीसा में हो नहीं रहा है, नॉर्थ ईस्ट में हो नहीं रहा है, तेलंगाना में हो नहीं रहा है, आंध्र प्रदेश में हो नहीं रहा है, तमिलनाडु में पहले से बना हुआ है, केरल में हो नहीं रहा है। तुम इंडी अलायंस कहाँ देख रहे हो, आपके आज तक के स्क्रीन के अलावे कहीं इंडी अलायंस नहीं है भाई। मुझे बताओ ना, आप जरा एक्सप्लेन कर सकते हो तो बताओ कि कहाँ पर इंडी अलायंस। जैसे आज राघव चड्ढा और आतिशी यहीं पे आए हुए थे दोपहर में, वो कह रहे थे कि दिल्ली में पंजाब में उन्हें उम्मीद है, कल अखिलेश यादव आए थे उनको उम्मीद है कि कांग्रेस और सपा और आरएलडी मिलके उत्तर प्रदेश, तो वो तो अपनी तरफ से कुछ कुछ कोशिश कर ही रहे। उसका मिस कह रहे जो होगा मध्य प्रदेश में कोशिश तो कर रहे मगर हो नहीं पा रहा है। नहीं, क्योंकि 3 ही दिन में आमने सामने गाली बोलने लगे। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, एक जो ट्रेंड चुनावों में देखने को मिल रही है वो ये कि कांग्रेस का वोट जहां पे था लगभग वहीं पे है, बीजेपी का वोट शेयर चढ़ा है क्योंकि आपने रीजनल पार्टी से, क्षेत्रीय पार्टियों से, इंडिपेंडेंट से आपने वोट खींचे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो बाइपोलैरिटी हो रही कि दो धड़ों में लड़ाई हो रही है, ऐसा है भाई? देखो आप लोग, ये सर्वे वाले का ये वोट, इसका कोई वोट किसी का नहीं होता है, कोई पार्टी की वोट पर मलकियत नहीं होती है। हर चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस और नेतृत्व पर विश्वास जो होता है और कार्यकर्ता स्थानीय होते हैं, इसके भरोसे चुनाव होता है, कोई वोट पर किसी की मालिकी नहीं है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, इस देश की जनता ने ढेर सारे अलायंस देखे, मैं आपको बताता हूँ, राजनीतिक स्वार्थ के कारण चुनाव के वक्त आइडियोलॉजिकल समानता के बगैर कोई अलायंस करता है तो देश की जनता बहुत परिपक्व है, इसके स्वार्थों को पहचानती है और ऐसा नेतृत्व सिलेक्ट करेगी जो भारत को 2047 में संपूर्ण विकसित राज्य बना सके, एक महासत्ता बना सके, ऐसे नेतृत्व को पसंद करेगी। और वो नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी है और वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सर आपने कहा कि नॉर्थ साउथ का कोई मसला नहीं है, लेकिन दक्षिण के राज्यों में एक बड़ा सवाल है डिलिमिटेशन को लेकर कि 2026 के बाद कभी ना कभी आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और उनको चिंता यह है कि जो दक्षिण के राज्यों की सीटें हैं वो कम हो जाएंगी, उत्तर के राज्यों में चूंकि जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी। कुछ आंकड़े मेरे साथ हैं, ये अमेरिका के एक पॉलिटिकल स्कॉलर हैं मिलन वैष्णव, उन्होंने किए। हालांकि यार तुम बार बार अमेरिका इंग्लैंड क्यों चले जाते हो, यहाँ कोई स्कॉलर नहीं मिलता है, यहाँ किसी ने किया ही नहीं है, यहाँ का कोई स्कॉलर तो ढूंढो यार, बंगाल का ढूंढो, महाराष्ट्र का ढूंढो, पंजाब का ढूंढो। खैर बताओ, सवाल यह है कि ये जो बहुत बड़ी चिंता है दक्षिण के राज्यों में कि हमारी सीटें कम होंगी। मैं आपको बता देता हूं, पहले भी ये मसला आया था, भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों की चिंता के साथ सहमत है, सब ने मिलकर, सभी दलों ने मिलकर
इसका समाधान जरूर ढूंढना चाहिए और ये संवेदनशीलता के साथ डिलिमिटेशन करना चाहिए। या बड़ी बात बोल रहे हैं क्योंकि आपको आपका कहना है ये नई बात नहीं है, हमारे लीडर फ्लोर पर बोल चुके हैं, अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज दोनों बोल चुके हैं। नहीं क्योंकि वो लोग जब सुनेंगे तो बड़े राहत महसूस करेंगे क्योंकि अभी अरे भाई तुम सवाल मत करो, राहत है ही है। अच्छा। सवाल खड़े मत करो, ये बोल चुके हैं हम, वहां फ्लोर पर बोल चुके हैं हमारे नेता। सर जब आपने 3 राज्यों में नए मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया तो एक सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या दिल्ली में जो आलाकमान है वो ऐसे नेताओं को पसंद करता है जिनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है, जो कि इतने जन आधार के नेता ना हो, जिनका खुद का मैस फॉलोइंग ना हो, जिनको आप बता पाएं कि क्या करना, ऐसा है क्या? देखो भाई ऐसे मैं पार्टी की निर्णय की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करना नहीं चाहता, मगर हर कार्यकर्ता कभी ना कभी नया होता है, हर कार्यकर्ता कभी ना कभी नया होता है। और आप अभी जो 3 मुख्यमंत्री बने हैं इनको जनाधार बगैर के नेता नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी संविधान ने जनाधार का एक प्रक्रिया बनाया है, यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते हैं, विधायक चुने जाते हैं और विधायक अपना नेता चुनते हैं, तो विधायक का जनाधार ही नेता के साथ होता है। और ये तीनों लोगों को पार्टी ने पर्याप्त मौका दिया है, तीनों लोग एक एक चुनाव हारे हैं और 3 बार पार्टी ने ही उनको नेता बनाया, ऐसा नहीं है। आप ट्रेनिंग में बहुत विश्वास करते हैं अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, अगर अभ्यास वर्ग में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि आप कैसे इनकी ट्रेनिंग करेंगे, अच्छा मुख्यमंत्री क्या बना जाए, अमित शाह की क्या मास्टर क्लास है तीनों के? देखिए भाई अभी तो इतना ही है कि मोदी जी ने गवर्नेंस का एक एजेंडा सेट किया है, संविधान की स्पिरिट के साथ, गरीब कल्याण की भावना के साथ और राज्य की कानून और व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ गवर्नेंस होना चाहिए। वो मॉडल को जो फॉलो करता है, सक्सेसफुली जमीन पर उतारता है, वो अच्छा नेता माना जाएगा। सर भारत की जो अर्थव्यवस्था है हाल के जो 2nd quarter के GDP के नतीजे आए उसमें उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस आई, लेकिन एक जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है के शेप्ड रिकवरी का, कि क्या के शेप्ड रिकवरी यानी कि जो इनकम पिरामिड के ऊपर के तरफ लोग हैं क्या अमीर और अमीर हो रहे हैं, क्या गरीबों को उतना जो आपकी स्कीमें हैं उतना फायदा पहुंचा पा रही कि उनकी आय क्या उस हिसाब से बढ़ रही है, इसको कैसे आप देखिए? एक बार समझ लीजिए, आजादी के बाद किसी एक 10 साल में सबसे ज्यादा संख्या गरीबी रेखा की ऊपर आई है तो वो मोदी जी के 10 साल में आई है, 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाद। और भारत के ढेर सारी एजेंसियां तो ये कह ही रही है, आप मान जाओ, इसलिए विदेश की एजेंसियां भी ये कह रही है, सबसे ज्यादा आजादी के 75 साल में अगर कभी गरीबी रेखा से ज्यादा लोग ऊपर आए हैं, और बहुत ज्यादा मतलब डबल के आसपास है, ये इस 10 साल में है। और जहां तक इनकम का सवाल है, एवरेज इनकम के अंदर 72,000 से लेकर 72,000 पहले थी और अब कुछ 1,00,000 से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो एवरेज इनकम भी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को बैंक अकाउंट मिला है, सभी लोगों को टॉयलेट मिला है, सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाने का मतलब 5 किलो अनाज मिल रहा है, सभी लोगों को 5,00,000 तक की सारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहली बार देश में फ्री मिल रही हैं, सभी लोगों के घर में गैस का सिलेंडर है, सभी लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हुआ है, और सभी लोगों के घर के अंदर स्वच्छता के लिए भी ढेर सारे कार्यक्रम लिए गए हैं। और कोऑपरेटिव मंत्रालय, हमारा सखी मंडल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और ढेर सारे इनिशिएटिवों से उनको स्वरोजगार की दिशा में जाकर, आप कल्पना कर सकते हो कि 1 करोड़ लखपति दीदी कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस महिला ने कभी ये सोचा ही नहीं था, वो आज विश्वास के साथ संवाद कर रही है देश के प्रधानमंत्री के साथ। मैं तो भौचक रह गया ट्राइबल महिलाओं को मोदी जी के साथ बात करके, मैं तो जमीन में घूमने वाला कार्यकर्ता हूं, मगर मैं भी इतना महसूस नहीं कर पाया था कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिस विश्वास के साथ मोदी जी के साथ वो बात करी थी ट्राइबल महिलाएं, मैं भौचक रह गया। आपने महिलाओं को एक वोट बैंक बना दिया है, पहले वो जैसे
परिवार में बाकी वोट पड़ता है वैसे देते थे, अब ज्यादा कई सारी महिलाएं अपने हिसाब से सोच के वोट डाल रही हैं। ये बड़ा फर्क पाते हैं बीते चुनावों में और हाल के चुनाव। वोट बैंक ढूंढते रहो, मोदी जी ने इस देश को हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ाया, अंतरिक्ष में भी मोदी जी ने आगे बढ़ाया, हम चंद्रमा पर पहुंच गए, शिव शक्ति पॉइंट बन गया, हमारा तिरंगा चंद्रमा पर पहुंचाने का काम हो गया, ढेर सारे स्टार्टअप बने, 300 स्टार्टअप थे 1,00,000 बने, यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भी हम तीसरे नंबर पर आ गए, युवाओं के लिए ढेर सारे दुनिया भर के कोर्सेस हुए, पीएलआई स्कीम से के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उत्पादन का केंद्र विश्व में भारत बन रहा है, इकोनॉमी के सारे पैरामीटर्स अंतिम 20 साल में सबसे ज्यादा अच्छे है तो आज है, शेयर बाजार के सभी सूचकांक सभी रिकॉर्ड अपने ही समय के रिकॉर्ड खुद फिर से तोड़ रहे हैं, गरीब कल्याण की हर योजना हुई है, इरिगेशन का रकबा बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार 10,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किसी बजट में हुआ है तो नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा है, R&D को बढ़ावा मिल रहा है, डिफेंस अभेद बनाया गया है, देश की सीमाओं की सुरक्षा को न केवल मजबूत करा गया, अंतिम गांव को पहला गांव बनाने का नया कंसेप्ट नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को कभी भी इतने प्रायोरिटी के साथ नहीं लिया गया था, वेलनेस सेंटर बने हैं, योगा, खेलो इंडिया, एक सीरीज से नागरिक के स्वास्थ्य को तवज्जो देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, कुपोषण के खिलाफ इतनी ज्यादा लड़ाई कभी नहीं लड़ी गई थी जितनी नरेंद्र मोदी सरकार ने लड़ी है, तुम कहां कहां दूरबीन देखकर वोट बैंक, ये सारा हमारा ही वोट बैंक है क्योंकि मोदी जी के समय में हुआ है, वोट बैंक शब्द से मोदी जी ने देश की पॉलिटिक्स को बाहर ला दिया है, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को वो मेन थ्रस्ट के अंदर लिया है और वही एजेंडा बनेगा अगला, ना जाति होगा, ना प्रांतवाद होगा, ना एपीसमेंट तो सवाल ही नहीं है, ना परिवारवाद होगा। आपको प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा पसंद नहीं है लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ऐसा स्टेटमेंट, मैं देखिए मेरे लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनल होते हैं, मैं जब भी बात करता हूं पॉलिसियों की और एक्शन की बात करता हूं, आप इसको इंटरप्रिटेशन, मैं दूसरा सवाल पूछा था, आप खड़गे जी की तरह मत करो ना। अच्छा, मेरा सवाल ये था, मैं नेहरू जी के बारे में जितना भी कुछ विगत दिनों में बोला हूं, इनके कामों के बारे में मेरी टिप्पणियां है जो अब ऐतिहासिक सत्य में परिवर्तित हो चुकी है, और उनकी पॉलिसियों के बारे में, और वो मेरा अधिकार है, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरा अधिकार है, मैं जरूर बोलूंगा, क्यों ना बोलूं। मेरा सवाल यह था कि डेमोक्रेसी के अंदर गलती करना और गलती कोई निकाले नहीं ऐसे सोचना है, सामंतशाही सोच है, लोकतांत्रिक विचार नहीं है जो कांग्रेस पार्टी करे। आप गलती करोगे और उसको कोई बताएगा नहीं, क्या बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतती है तब पंडित नेहरू का जो कीर्तिमान है 3 दफा जीतने का, उसको एक बार इक्वल कर रहे हो, क्योंकि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री 3री बार नहीं चुना गया। देखिए, इस तरह के रिकॉर्ड में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम परफॉर्मेंस में विश्वास करते हैं, एक पवित्र उद्देश्य में विश्वास करते हैं और जनता के एजेंडा में विश्वास करते हैं। मुझे लगता है कि तीनों हमारा स्पष्ट है, इसलिए मोदी जी का 3री बार प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल निश्चित दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं और बड़े मार्जिन के साथ। आपका एजेंडा क्या रहेगा 2024 का, अगर आपकी 3री दफा सरकार बनती है तो जो इस वक्त तमाम आपको लोग आज तक पर, इंडिया टुडे पर, टेलीविजन पर, डिजिटल पर, सोशल पर, सब जगह देख रहे हैं, उन करोड़ों लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार का एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है, मोदी जी ने अमृत काल की शुरुआत कर दी है, 2037 में भारत हर क्षेत्र के अंदर दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर हो, देश की सुरक्षा अभेद हो, देश के युवाओं को वैश्विक मंच पर खड़ा रहने के लिए सभी प्लेटफॉर्म सरकार उनको दे पाए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में 1 नंबर का हो, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति का स्वास्थ्य, पोषण और रोजगारी की चिंता हो, हमारा एजेंडा बहुत स्पष्ट है, महान भारत की रचना एकमात्र एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है जो मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मेरे साथी सुप्रे प्रसाद हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। सुप्रे,
अमित भाई, आपने इतनी सारी बता दी, लेकिन क्या ऐसा कुछ है जो 9 साल में आप नहीं कर पाए हों, जो लगता है कि ये करना रह गया, माने कुछ चूक गया है, और जिसके लिए आप प्रॉमिस करें कि 24 के बाद आप वो करेंगे, ऐसा कुछ आपके एजेंडा में? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जब मोदी जी आए तब जो सोचा था कि मोदी जी क्या कर पाएंगे, उसके अनेक गुना करा है। जहां तक देश के विकास का सवाल है, देश के स्टेटस बढ़ाने का सवाल है, हम तो कभी संतोष नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये भूख इतनी बड़ी है हमारी पार्टी की कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, अनंत प्रयास करते रहेंगे। नहीं, जैसे पिछली बार आपने आते ही 370 खत्म कर दिया था, तो क्या इस बार 5 अगस्त 2024 को भी कुछ उम्मीद करें आपसे कि जब आप आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे? चले, आपको बता दूंगा, ऐसी उम्मीद मत करिए, देश के हित में जो है वो सब कुछ करेंगे। सर, जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम लगा या एकदम आप फौरन काम पे लग गए? और जब चुनाव के नतीजे आ रहे थे, क्या उस टाइम पर आपको टेंशन थी कि कुछ निकल सकता है हाथ से? क्या कुछ ऐसा हुआ चुनाव के नतीजे आते आते जिसकी आपको खुद भी ऐसा नहीं होता है? देखिए, हम लोग तो वर्षों से चुनाव के अंदर एक बूथ के कार्यकर्ता से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। हार जीत जनता तय करती है, और ये जनता का जो भी प्रसाद हो, अच्छा हो बुरा हो, ग्रहण करना और आगे और मजबूती के साथ जाना। जीत मिले तो हंकारी मत होना, हार मिले तो निराश नहीं होना, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। सर, भारत की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल रही थी, 10 मैच एक के बाद एक जीते, फाइनल में जाके ऑस्ट्रेलिया से हार गए। 24 के आम चुनाव से पहले आपकी सबसे बड़ी नंबर एक चिंता क्या है? मैं चिंता का तो कोई कारण नहीं देख रहा, मेरा मन का इच्छा है कि मीडिया हमें समझ ले, बस एक बार हमारे काम को अच्छे से इंटरप्रेट करे, इतना एक चिंता है, बाकी कोई चिंता मुझे नहीं दिखाई पड़ती। आपसे हमारी मुलाकात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था तब हुई थी, और सबको मैं बताना चाहूँगा कि अमित शाह साहब क्रिकेट न केवल काफ़ी फॉलो करते हैं, पर उन्होंने बताया कि खेलते भी थे। आपने बताया कि आप ऑफ स्पिनर थे और बैटिंग भी किया करते थे, आपको स्ट्रैटेजी का भी शौक है। अगर जब आप उस फाइनल को देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, तो उसकी स्ट्रैटेजी में आपके हिसाब से कहाँ चूक रही? क्या हम देखिए, बाहर रहकर इसकी मीमांसा नहीं करनी चाहिए, जो खेल के मैदान में है, ये करोड़ों अपने फैंस के दबाव में भी खेलते हैं, फाइनल होता है बहुत बड़ी बात होती है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा भाग्य भी साथ देता है खिलाड़ियों को, और बहुत अच्छा खेली है हमारी टीम, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हार जीत होती रहती है, स्पिरिट के साथ रहना चाहिए, स्पिरिट के साथ इसको लेना चाहिए, और मेरी बहुत शुभकामना है भारतीय टीम को कि आप बहुत अच्छा खेले हो और पूरे देश को आपके क्रिकेट पर नाज है, आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आप बताएंगे प्लीज हमें अपने ऑफ स्पिनर दिन के बारे में? चलिए, हो गया भाई, पर्सनल कुछ इसमें होता नहीं है। इन्होंने बताया था काफी शौक है इनको। चलो छोड़िए भाई, पर्सनल चीज सार्वजनिक करने के लिए। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह साहब, आप आए, आपने एक तरीके से आत्मविश्वास जताया 2024 के चुनाव पर, आपने कहा कि ले तो देश की जनता तय करेगी कि होना क्या है, लेकिन कई दफा आपने ही कहा है कि आपको लगता है कि कभी भी कार्यकर्ता को ये टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि हम जीत ही रहे हैं, कि ऐसा ना हो अगर सभी लोग मान लें कि हम जीत रहे हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा आलस आने का एक खतरा है? नहीं, जरा भी नहीं लेना है, ना हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमें सीटें बढ़ानी है भाई, भारतीय जनता पार्टी को और अनछुए क्षेत्रों में पहुंचाना है, वहां भाजपा का झंडा फहराना है, कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे? तो क्वेश्चन डज नॉट अराइज। हम और परिश्रम करेंगे, कठोर परिश्रम करेंगे और बड़ी विजय प्राप्त करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। तो कौन सा वो एक राज्य है जिसपे आपकी खुद, जिस तरीके से आप छत्तीसगढ़ में, तो भाजपा, आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसमें है? एक राज्य, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश के सारे राज्यों में एक मुख्य राजनीतिक दल बने, ये हमारा उद्देश्य है, और मैं चाहता हूं कि मेरी आइडियोलॉजी के साथ देश के हर कोने के राज्य, हर कोने के राज्य की जनता जुड़े और विशेषकर युवा जुड़े, और 2047 के मोदी जी के महान भारत के स्वप्न के साथ जुड़कर 2047 में देश के जो नागरिक होंगे वो पूरी दुनिया में गौरव के साथ खड़े रहें, जिसके लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश को आज़ादी के लिए, इसके स्वप्न हम पूरे करने में सफल हो, यही हमारा प्रयास है, और मोदी जी का नेतृत्व भी इसी दिशा में जा रहा है, इसका मुझे बहुत संतोष।
गृह मंत्री अमित शाह साहब, आप एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में आए, आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों के सामने, यहाँ बैठे तमाम लोगों के सामने रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां अमित शाह साहब के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Presented by JK Tire Ranger Series. Stay wild at heart. Co-presented by Star Health Insurance, the health insurance specialist. Co-presented by New Kia Sonet, the wild reborn.